दोस्तों एक बात अच्छी हो गई है 2024 में, आईटेल जैसे ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए। अब उन्होंने 3 फोन्स लॉन्च किए। याद रखिए, हमने P55 आईटेल का जो P55 है उसका 5G वेरिएंट किया हुआ था और वो फोन सही में अच्छा था। अब उसके 4G वेरिएंट्स आ गए, वो भी एक नहीं तीन, P55+, P55T एंड P55। आज इसका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। और एक बात कहूं, अगर 10,000 के करीब आपका बजट होगा तो आप डेफिनेटली 5G ही प्रीफर कीजिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। बट ये जो है, अगर आपका टाइट बजट है 8,000 के नीचे, 7,500 वगैरह बजट है, देन यू कैन लुक एट 4G फोन एंड वन ऑफ देम इज P55। कुछ चीजें अच्छी है, सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक भी जरूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन डोंट फॉरगेट दैट। चलिए लेट्स ओपन आईटेल P55। 50 MP AI डुअल कैमरा एंड पंच होल डिस्प्ले है। ऋतिक रोशन जी ऊपर ही है, देखेंगे फोन के पास, इंटरेस्टिंग है। और क्या है बॉक्स के अंदर, क्विकली देख लेते हैं। देयर इज सम कार्ड, इंटरेस्टिंग, आईटेल स्मार्टफोन है ये, देखिए। देन यू हैव वारंटी कार्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन। और क्या है, ओ केस भी आती है, फोन बजट सीरीज का है लेकिन फिर भी सब कुछ मिलता है, दैट इज नाइस। कैमरा मॉड्यूल बड़ा सा है दोस्तों, सो दैट्स नॉट बैड। ऑलराइट, छोटा सा चार्जर आता है, 18 वॉट का चार्जर है दोस्तों। वैसे आपको फास्ट चार्जिंग वाला चाहिए तो आप P55+ के पास देख सकते हो, उसमें 45 वॉट चार्जिंग आती है। एंड देन USB टाइप सी टू USB टाइप ए चार्जिंग केबल है। ऑलराइट, फाइनली सिम कार्ड टूल, छोटा सा है दोस्तों बट इट इज देयर। चलिए अब फोन के पास देखते हैं, लेट्स कीप दिस असाइड। बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है दोस्तों, क्लियरली दिख रहा है। एंड आई लाइक दैट ब्लू कलर है, बट जैसे ही लाइट गिरता है अलग अलग कलर्स आते हैं। ब्रश्ड डिजाइन लग रहा है, लुक एट दिस डिजाइन। और अगर इन हैंड फील के बारे में बात करूं, थोड़ा बड़ा डेफिनेटली है दोस्तों, दिस इज अ बिग फोन। वैसे स्क्रैच गार्ड जो है लगा हुआ आता है, इट शुड मेक सम नॉइस, बट इट डज नॉट। ओ दैट सेटिस्फेक्शन मोमेंट इज गॉन। बट फोन वैसे बड़ा है लेकिन इतना हैवी नहीं लग रहा है, यू नो इट्स क्वाइट लाइट एक्चुअली। 188 ग्राम्स बोले, 186.5 है, जैसे मैंने कहा बड़ा फोन है बट इट्स नॉट वेरी हैवी, 186.5 ग्राम्स है। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, 3.5 mm जैक है, माइक्रोफोन है, USB टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन नहीं है, एंड सिम कार्ड ट्रे है ऊपर की तरफ। और अगर सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं, डेडिकेटेड SD कार्ड तो होना चाहिए, बजट सीरीज का फोन है, इट शुड, लेट्स सी। ऑलराइट, ट्रिपल कार्ड स्लॉट आता है दोस्तों, लुक एट दिस, डेडिकेटेड SD कार्ड है तो आप एक्सपैंड कर पाओगे स्टोरेज। चलिए गिरा के देखना है, ड्रॉप टेस्ट, लेट्स डू इट, 1, 2 एंड बूम। प्रोटेक्शन क्या है पता नहीं है बट गिराना तो है, एंड कुछ नहीं, लेट्स डू इट वन मोर टाइम, 1, 2 एंड 3। वैसे प्लास्टिक बैग है सो कुछ टेंशन नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए बाहर से देख लिया, अब देखते हैं अंदर से। ऑलराइट, पंच होल क्लियरली दिख रहा है। जनरली ये जो यू नो 8,000 के नीचे 7,500 के होते हैं, वैसे इसकी प्राइस जो है 7,499, 7,500 है अगर आप ऑनलाइन बाय करोगे फॉर 4128 वेरिएंट, उसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन पंच होल है, दैट इज गुड। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, दैट इज गुड। जी पीछे नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। बेजल्स पतले तो नहीं, एवरेज साइज के कहूंगा, चिन भी मैं कहूंगा एवरेज साइज की है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। 6.6 इंच का HD+ 90Hz का डिस्प्ले, तो 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है लेकिन HD+ है। इसमें दोस्तों दो वेरिएंट्स आते हैं, बेस वेरिएंट 4128 का है एंड ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज 8128 प्लस 16GB की वर्चुअल रैम भी आपको मिलती है। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करूं, यूनिसॉक T606 आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है दोस्तों, थोड़ा पुराना है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, फिर भी बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं। इसका जो अंततः स्कोर आता है दैट इज अराउंड 2,20,000-2,30,000। आपको नॉर्मल एप्स वगैरह खोलने हैं, बेसिक चीजें जो करनी है उसके लिए दिस इज गुड इनफ। LPDDR4X RAM टाइप आती है, एंड अच्छी बात यह है कि UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है। कभी कभी अगेन इस प्राइस रेंज में आपको eMMC, UMCP ये सब मिलता है, बट दिस इज गॉट UFS 2.2, दैट इज गुड। अगर परफॉर्मेंस गेमिंग स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो BGMI वगैरह आप खेल पाओगे, लो टू मीडियम सेटिंग्स पे 40 FPS पे खेल पाओगे, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। एंड डिस्प्ले भी बड़ा है 6.6 इंच का, सो नो प्रॉब्लम्स है, 90Hz भी है, सो डिसेंट गेम प्ले है दोस्तों। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, सॉफ्ट जायरोस्कोप है इतना याद रखिए, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी है, दे वर्क वेल। कनेक्टिविटी के लिए 4G है दोस्तों, ये डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.0 है इसके अंदर। वैसे बैटरी के बारे में बात नहीं दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी है एंड 18W चार्जिंग है, एंड इट शुड लास्ट योर डे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और इसके बारे में बात करते हैं, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स आता है। वैसे इसमें जो P55T है
उसमें एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, वो भी एंड्रॉइड 14 गो, दुनिया का पहला फोन है शायद विच इज गॉट एंड्रॉइड 14 गो एडिशन। वैसे अगर ब्लोटवेयर्स के बारे में बात करूं तो ज्यादा नहीं है, जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो इंस्टाग्राम वगैरह है वो सब है। सब एप्स अगर देखोगे तो कुछ 45 एप्स इंस्टॉल्ड है, विच इज अगेन गुड इनफ। वैसे अपडेट्स के बारे में बोल दूं कि ब्रांड ने कुछ बताया नहीं है अपडेट्स के बारे में, लेकिन ओएस के बारे में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जनरली इस प्राइस रेंज में बहुत सारे एड्स वगैरह आपको दिखते हैं, यू नो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, वो सब नहीं है, डिसेंट यू आई, क्लीन यू आई है। दोस्तों अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं, अगेन इट्स अ बिग डिस्प्ले, वीडियो व्यूइंग वगैरह अच्छा है, HD प्लस है, अगेन इस प्राइस रेंज में मैं देख रहा हूं वीडियो व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, नॉट बैड एट ऑल, सो अगेन फॉर द प्राइस रेंज डिसेंट है। मोनो स्पीकर्स हैं जो लाउड है, डिसेंट क्वालिटी, ओवरऑल मल्टीमीडिया भी आप देख पाओगे, ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा होगा, लेकिन याद रखिए वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, L1 नहीं है, ऑब्वियसली HD प्लस स्क्रीन है। वैसे मल्टीमीडिया के बारे में बात कर रहा हूं तो एक बता दूं 1080p आप YouTube वीडियोस वगैरह देख पाओगे, यस इवन ऑन Netflix। तीन कलर्स आते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्ड। गोल्ड यू नो जिसको ज्यादा ऐसा इंपैक्ट वाला चाहिए वो गोल्ड देखिए, बट आई लाइक दिस वन, यू नो इट्स नाइस कलर। फाइनली कैमरा के बारे में बात करते हैं, अच्छी बात है कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, लेकिन वही है दोस्तों 50 मेगापिक्सल डुअल AI कैमरा कहते हैं, बट प्राइमरी सेंसर जो है उसके बहुत सारे फोटोज हमने निकाले हुए। फॉर दिस प्राइस रेंज अगेन डिसेंट कैमरा सेटअप कहूंगा, अगर ओरिजिनल क्वालिटी में आपको देखने फोन बाय करना है, जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं उधर स्टोर किए हुए, जरूर जाके देखिएगा। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, आप फुल HD 1080p एट 30 FPS निकाल पाओगे फ्रंट एंड बैक बोथ। कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं, डिसेंट अगेन जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज से, शॉर्ट वीडियो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड भी आता है, अल्ट्रा HD भी है, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी में नेटिव अगर आपको फोटोज निकाले वो सब आप कर पाओगे, AR शॉट वगैरह, कैमरा में भी डिसेंट फीचर्स मिलते हैं। आप जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों P55 के साथ में P55 प्लस एंड TB आया हुआ है, अगर आप P55 प्लस लोगे तो 45 वॉट चार्जिंग आपको मिलने वाला है, अगर P55T लोगे तो 6000 mAh की बैटरी है, तो जिसको बड़ी बैटरी चाहिए या किसी को फास्ट चार्जिंग चाहिए आप उसके पास देख सकते हो, लेकिन प्राइस थोड़ी ज्यादा है। याद रखिए दोस्तों ये वीडियो करने का मकसद एक है कि बिकॉज इट इज अंडर 8000 यूनिसॉक T606 दोस्तों, वैसे ट्राइड एंड टेस्टेड पुराना प्रोसेसर है, अगर आप 10000 तक बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो मैं कहूंगा 5G फोन के पास जाइए, लेकिन अगर टाइट बजट है तो डेफिनेटली इन फोन्स के पास आप देख सकते हो, स्पेशली P55 जो आपको 7500 में मिलता है 4/4/128 वेरिएंट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।